Topic: classification and canonical forms of equations in two independent variables. ये टॉपिक हमने थोड़ा बहुत पहले डिस्कस कर लिया था, अब इसको थोड़ा दोबारा रिवाइज करके इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो समझेंगे जी. कंसिडर द लीनियर इक्वेशन, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जी, एंड ऑलमोस्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. और ये सपोज हमारे पास ऑलमोस्ट लीनियर इक्वेशन है वेयर ए अप टू सो ऑन जी आर ऑफ क्लास सी स्क्वायर ओमेगा, यानी ये जितने भी कांस्टेंट्स हैं ए बी सी अप टू सो ऑन जी तक, ये सारे हमारे पास इनके जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस है, एंड ए बी सी नॉट इक्वल टू जीरो जीरो इन ओमेगा, यानी डोमेन का कोई भी पॉइंट लें उसमें ये ए बी और सी साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते, इनमें से कोई ना कोई जरूर नॉन जीरो होगा. द एक्सप्रेशन ए यू एक्स एक्स प्लस टू बी यू एक्स वाई प्लस सी इज द कॉल्ड द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वेशंस, ये जो हमारे पास पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक इसका भी और इसका भी, ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ बोथ द इक्वेशंस. सिंस द प्रिंसिपल पार्ट मेनली डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन वी शैल क्लासिफाई द मोर जनरल फॉर्म 2.11 इंस्टेड ऑफ 2.10, यानी ये जो हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये करैक्टरिस्टिक्स बताता है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो हम ये 2.10 अज्यूम करने के बजाय हम सपोज करेंगे 2.11 जो इक्वेशन है हमारे पास. द फंक्शन डेल्टा डिफाइंड बाय डेल्टा एक्स वाई इज इक्वल टू बी स्क्वेयर एक्स वाई, ये जो बी कोफिशियंट है, माइनस ए ऑफ एक्स वाई सी ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 2.11, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट 2.11 इक्वेशन का. आगे एक थ्योरम है, लेट फाई, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्साई डिपेंड अपॉन एक्स वाई, ईटा आल्सो डिपेंड अपॉन एक्स एक्स वाई बी ए स्मूथ चेंज ऑफ वेरिएबल फॉर विच इन दो नए कोऑर्डिनेट नए वेरिएबल दे ट्रांसफॉर्मेशन से जो हमारा जैकोबियन मैट्रिक्स है वो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होगा, एंड इक्वेशन 2.11 इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, तो ये जो हमारे पास ऑलमोस्ट लीनियर इक्वेशन है 2.11, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. द साइन ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट एट क्यू इज इक्वल टू फाई ऑफ पी, यानी जो हमारे पास जो नया डिस्क्रिमिनेंट क्यू इज इक्वल टू फाई ऑफ पी है, पहले हमारे पास पी पॉइंट था, उसका जो हमारे पास इमेज आएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके जो क्यू आएगा हमारे पास उस पे जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है ये सेम होगा. अगर डिस्क्रिमिनेंट पहले पॉजिटिव है तो बाद में भी पॉजिटिव होगा, जीरो होगा तो इस तरह जीरो होगा, यानी साइन उसका चेंज नहीं होगा. मेकिंग द चेंज ऑफ वेरिएबल्स, वही है, हम नए वेरिएबल में कैसे चेंज करेंगे, यू एक्स की वैल्यू ये लिखेंगे, इसी तरह यू वाई की वैल्यू ऐसे ट्रांसफॉर्म यू यू एक्स एक्स यू एक्स वाई और यू वाई वाई, ये इस तरह जब नए वेरिएबल में इनको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो इस इक्वेशन में ए यू एक्स एक्स प्लस टू बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई, इसमें जब यू एक्स एक्स यू एक्स वाई और यू वाई वाई की जगह पे प्लस एफ एफ एक्स वाई यू ये जनरली लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई ना कोई एक्सप्रेशन आ रहा होगा, जब इन सब में ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये जो हमने नए वेरिएबल्स एक्साई और ईटा की फॉर्म में कैलकुलेट की हुई है, तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी 2.12, जिसमें जो ए कोफिशेंट है वो इस वैल्यू को डिनोट कर रहा है, बी हमारे पास ये वैल्यू होगी और सी हमारे पास ये वैल्यू होगी. Applying the maple procedure, simplify, we have delta prime is equal to b square minus ac,
वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैपल प्रोसीजर अप्लाई करके तो इसको सिंपलीफाई करें तो ये चीज आ जाती है। अब ये स्क्वेयर है हमारे पास, तो ये हमारे पहले ही हमने इसको बी स्क्वेयर माइनस ए सी को डेल्टा कहा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा प्राइम का जो साइन है वो डेल्टा पे डिपेंड कर रहा है। डेल्टा अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा, क्योंकि ये तो हमारे पास स्क्वेयर आ रहा है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। वी से दैट द इक्वेशन 2.11 एट अ पॉइंट पी एक्स वाई बिलोंग्स टू ओमेगा इज हाइपरबोलिक इफ डेल्टा एक्स वाई पॉजिटिव, यानी डेल्टा एक्स वाई कैलकुलेट करें किसके इक्वल है, बी स्क्वेयर माइनस ए सी, अगर वो पॉजिटिव हो तो हम कहेंगे कि किसी पॉइंट पे अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो तो हम कहेंगे ये हाइपरबोलिक पॉइंट है, इसी तरह अगर जीरो हो तो ये पैराबोलिक है, और लेस देन जीरो हो तो ये एलिप्टिक है। द इक्वेशन इज हाइपरबोलिक पैराबोलिक एलिप्टिक इन अ सबसेट जी सबसेट ऑफ ओमेगा इफ इट इज हाइपरबोलिक एट एवरी पॉइंट ऑफ जी, यानी ओमेगा जो डोमेन है इसका कोई सबसेट ले लें तो उसके हर पॉइंट पे अगर ये डिस्क्रिमिनेंट हाइपरबोलिक पैराबोलिक और एलिप्टिक हो तो फिर हम कहेंगे कि जो इक्वेशन है वो हाइपरबोलिक है पैराबोलिक है एलिप्टिक है सबसेट में। नेक्स्ट वी विल शो दैट वी कैन फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स एक्साई एंड इटा सो दैट इन टर्म्स ऑफ द न्यू कोऑर्डिनेट्स द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2.11 इज सच दैट इट्स प्रिंसिपल पार्ट इज पार्टिकुलरली सिंपल। यानी सपोज हम कोई ऐसे एक्साई और इटा फाइंड करते हैं, नए वेरिएबल फाइंड करते हैं कि हमारे पास ये जो 2.11 इक्वेशन है ये इसका जो ये प्रिंसिपल पार्ट है ये सिंपल फॉर्म बन जाती है और इसको हम कहेंगे कैनोनिकल फॉर्म। आगे थ्योरम है जी, अज्यूम दैट इक्वेशन 2.11 इज हाइपरबोलिक पैराबोलिक और एलिप्टिक इन अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट देन देयर एग्जिस्ट एन इनवर्टिबल चेंज ऑफ वेरिएबल, कोई एक्साई और इटा एग्जिस्ट करते हैं डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट सच दैट 2.11 कैन बी रिड्यूस टू वन ऑफ द थ्री फॉर्म्स एज फॉलोज। इफ पी एक्स नॉट वाई नॉट इज हाइपरबोलिक पॉइंट, अगर हमारे पास हाइपरबोलिक पॉइंट हो तो ये हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म बनेगी, अगर हमारे पास पैराबोलिक पॉइंट हो तो ये कैनोनिकल फॉर्म बनेगी, अगर एलिप्टिक हो तो ऐसी एक कैनोनिकल फॉर्म बनेगी। इन केस ऑफ हाइपरबोलिक इक्वेशन द ट्रांसफॉर्मेशन हाइपरबोलिक इक्वेशन में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा अगर एस एल ए एक्साई प्लस ईटा और बीटा एक्साई माइनस ईटा तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है 2.13 ये मजीद रिड्यूस हो गए इस फॉर्म में लिखी जा सकती है यू अल्फा अल्फा माइनस यू बीटा बीटा प्लस थीटा, ये हमारे पास क्या कहलाती है जी सेकंड कैनोनिकल फॉर्म फॉर द हाइपरबोलिक इक्वेशन। ये है फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म फॉर द हाइपरबोलिक इक्वेशन और ये हमारे पास है सेकंड कैनोनिकल फॉर्म फॉर द हाइपरबोलिक इक्वेशन। अब पहले फर्स्ट पार्ट का प्रूफ जी, फर्स्ट पार्ट में देखिए अगर पॉइंट हमारे पास हाइपरबोलिक हो तो जो कैनोनिकल फॉर्म है वो ये बन सकती है 2.13 इक्वेशन में। अब इसकी अगर जनरल ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म हम देखें तो जनरल ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में अगर ए जीरो हो जाए सी जीरो हो जाए और हमारे पास ये जो बी की वैल्यू या 2b की वैल्यू आ रही है इसको अगर इससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्म बनाने के लिए हमें कोई ऐसे एक्साई और ईटा चूज करने पड़ेंगे कि ए और सी दोनों जीरो हो जाए और बी नॉन जीरो हो। तो यही ये लिखा हुआ है जी, लेट पी एक्स नॉट वाई नॉट बी हाइपरबोलिक पॉइंट, वी चूज एक्साई एंड ईटा इन ऑर्डर टू हैव ए इज इक्वल टू जीरो। ए हमारा एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ था पहले हमने ट्रांसफॉर्म फॉर्म में लिखा था, सी हमने ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में लिखा था जी, ये भी जीरो हो गया। सो एक्साई एंड ईटा आर सॉल्यूशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर इक्वेशन। अब ए की फॉर्म अगर देखें
और सी की फॉर्म देखें तो एक्साई और ईटा यानी सॉल्यूशंस है ऐसी कोई नॉन लीनियर इक्वेशन के, क्योंकि ये वही फॉर्म बन रही है ए की भी, और ए का जो एक्सप्रेशन है एक्साई की फॉर्म में और सी का जो एक्सप्रेशन है ईटा की फॉर्म में। बाई द थेरी ऑफ सेक्शन 1.5, सेक्शन 1.5 में हमने पढ़ा था डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू पी एफ ऑफ पी प्लस क्यू एफ ऑफ क्यू, इसी तरह यहाँ पे डी फाइव बाई डी टी लिखे पी एफ ऑफ पी प्लस क्यू एफ क्यू इज इक्वल टू टू ए पी स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। अब देखे एफ किसके इक्वल है, इसको अगर एफ का नाम दे दें एफ इज इक्वल टू तो फाइव एक्स, उधर भी हमने कहा था यू एक्स पी को और यू वाई हमने क्यू कहा था, तो एफ इज इक्वल टू ए पी स्क्वेयर प्लस टू बी पी क्यू प्लस सी क्यू स्क्वेयर, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू पी ये आएगा क्यू, इसके इक्वल आ जाएगा डी फाई बाई डी टी। अब डी फाई बाई डी टी किसके इक्वल आएगा जी, पी यहाँ से पी ये हमारे पास जो ए इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें डी फाई बाई डी टी सिंप्लीफाई करें तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो डी फाई बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा पी टू टू ए पी प्लस टू बी क्यू प्लस क्यू, यहां पे टू ए पी स्क्वेयर प्लस टू सी इंटू क्यू, यहाँ पे इसका जब डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी टू सी क्यू स्क्वेयर आएगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है जी, तो ये अगर टू कॉमन लेते हैं तो ए पी स्क्वेयर प्लस टू बी पी क्यू प्लस सी क्यू स्क्वेयर, और डी फाइव बाई डी टी ए पी स्क्वेयर प्लस टू बी पी क्यू प्लस सी क्यू स्क्वेयर ये किसके इक्वल है जीरो के इक्वल, तो डी फाइव बाई डी टी जीरो के इक्वल आ गया, ये जो इधर हमने लिखा हुआ है डी फाइव बाई डी टी अगर जीरो है तो फाइव ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा कॉन्स्टेंट के। इफ वी सपोज फाइव ऑफ वाई एक्सट्राट वाई नॉट इज नॉन जीरो, अगर हम सपोज करते हैं कि ये जो फाइव फंक्शन है कोई भी जो कॉन्स्टेंट फंक्शन है इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू वाई इस पॉइंट पे वो नॉन जीरो है, वी कैन डिटरमिन वाई एज एन इम्प्लिसिट फंक्शन इन अ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट एक्स नॉट, तो वाई एक ऐसा फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन कैलकुलेट किया जा सकता है एक्स नॉट की नेबरहुड में। वाई प्राइम किसके इक्वल आएगा डी वाई बाई डी एक्स के, और ये माइनस फाई ऑफ एक्स एक्स वाई फाई ऑफ वाई एक्स वाई ये एक्सप्रेशन किधर से आया जी, हमारे पास ये जो 2.16 इक्वेशन है इसको अगर रीअरेंज करें तो ये आ जाता है जी ए फाई फाई एक्स ओवर फाई वाई होल स्क्वायर प्लस टू बी फाई एक्स ओवर फाई वाई यहाँ में प्लस सी फाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और ये जो हमारे पास इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इसको हमने इसके इक्वल लिखा हुआ है जी डी वाई बाई डी एक्स, इसमें यहां पे फाइव एक्स ये जो एक्सप्रेशन है ये इधर आ जाएगा और इसकी जगह पे वाई प्राइम हम रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा जी वाई प्राइम स्क्वेयर माइनस टू बी वाई प्राइम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये 2.18 इक्वेशन बन जाएगी, और ये जो हमारे पास है फाइव एक्स और फाइव वाई ये इधर एक्सप्लेन किया हुआ है, एफ अगर फंक्शन हो एक्स वाई का तो उसका डिफरेंशियल इस तरह लिख सकते हैं फाइव एफ एक्स वाई कॉन्स्टेंट है तो डी फाइव इज इक्वल टू जीरो, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल आ जाएगा माइनस फाइव एक्स ओवर फाइव वाई ये जो इधर लिखा हुआ है, और फिर इससे अगर फॉर्म बनाए 2.16 की अगर फॉर्म बनाए तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 2.16 को और उसकी जगह पे फिर वाई प्राइम रिप्लेस किया जा सकता है। If we suppose phi x x not y equal to zero, पहले हमने कहा कि पार्शियल डेरिवेटिव phi विद रेस्पेक्ट टू y इस पॉइंट पे अगर नॉन जीरो हो तो y फाइंड किया जा सकता है द नेबरहुड ऑफ x नॉट, अब हम कह रहे हैं कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x
नॉन जीरो हो इस पॉइंट पे, तो फिर एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई, वाई डॉट की नेबरहुड में एक इम्प्लिसिट फंक्शन कैलकुलेट किया जा सकता है, और एक्स प्राइम को लिखेंगे डी एक्स बाई डी वाई। उसी तरह इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो फंक्शन एक्स वाई सेटिस्फाइज द ओडी। अब इस इक्वेशन को मैं फाई, पहले हमने फाई एक्स और फाई वाई की फॉर्म में बनाई है, अब इसको अगर फाई वाई और फाई एक्स की फॉर्म में बनाए तो ये इक्वेशन बनेगी। बोथ इक्वेशंस 2.18 जो हमने ये पहले कैलकुलेट की है एंड 2.19 ये जो अभी हमने इक्वेशन बनाई है कैन बी प्रेजेंटेड इन द डिफरेंशियल फॉर्म। इन दोनों को इस तरह डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है। Without loss of generality, we can suppose A non-zero or C is non-zero. यानी हम सपोज कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे या तो A non-zero है या C non-zero है। क्यों? Because if A and C both are zero at the point x naught y naught, अगर ये दोनों जीरो हो जाए तो फिर अब देखें 2.1 वाला क्वेश्चन में देखें a भी जीरो हो जाए c भी जीरो हो जाए तो सिंपल हम 2b से कैलकुलेट इसको डिवाइड करके और b हमारे पास नॉन जीरो हो देन b नॉट इक्वल टू जीरो। और b क्यों नॉन जीरो आना चाहिए? क्योंकि हमने पहले अज्यूम किया है कि a b c नॉट इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। अगर a और c दोनों जीरो हो जाते हैं तो b लाजमी इस पॉइंट पे नॉन जीरो होगा। तो जब बी नॉन जीरो होगा तो इसमें ए और सी दोनों जीरो पुट करें तो बी से अगर डिवाइड करें तो ये सिंपल फॉर्म उसकी, ये कैनोनिकल फॉर्म बनाई जा सकती है अगर ये दोनों जीरो हो जाए। लेट अस सपोज ए इज नॉन जीरो। सपोज हम करते हैं कि इस पॉइंट पे ए नॉन जीरो एंड ए एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो इन आवर नेबरहुड एन ऑफ द पॉइंट। और सपोज जो ए एक्स वाई है ये इस पॉइंट की नेबरहुड में भी नॉन जीरो है, इस पॉइंट में भी नॉन जीरो है और इस पॉइंट की नेबरहुड में भी नॉन जीरो है। द इक्वेशन 2.18 रिड्यूसेस टू टू ओडीज। ये जो 2.18 है ये एक क्वाड्रेटिक की फॉर्म बनी हुई है, तो इससे इसके हम दो रूट्स लिख सकते हैं। एक ये वाला y1 prime is equal to b plus delta square root over a और y2 prime is equal to b minus delta square root over a। यहां पे डेल्टा लिखा हुआ है b square minus ac, वो इस वजह से क्योंकि जब b यहां पे ये पूरा 4b square लिखेंगे और फिर minus 4ac आएगा, यहां पे भी 2b आ जाएगा over 2a तो वो 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल ये आ जाएगा b प्लस डेल्टा स्क्वायर रूट ओवर a और b माइनस डेल्टा स्क्वायर रूट ओवर a। सपोज xi xy इज इक्वल टू c1 एंड eta xy इज इक्वल टू c2 आर रेस्पेक्टिवली देयर जनरल सॉल्यूशन डिफाइंड इन अ डोमेन एंड वन सबसेट ऑफ n। सपोज करते हैं कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है एक्स वाई की फॉर्म में उसको हम एक्साइज सपोज कर लेते हैं, और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है उसको ईटा एक्स वाई सपोज कर देते हैं। देन एक्साइज वाई नॉट इक्वल टू जीरो एंड ईटा वाई नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एक्स वाई बिलोंग टू एन वन। क्यों ये दोनों नॉन जीरो होंगे? क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ये वाली जो यूज की है इस, ये जब हमने ड्राइव की थी तो सपोज किया था कि फाई ऑफ वाई इस पॉइंट पे नॉन जीरो है। अगर फाई ऑफ वाई इस पॉइंट पे नॉन जीरो है तो इस तरह इसका मतलब यह है एक्साई वाई और ईटा वाई ये दोनों नॉन जीरो होंगे। द चेंज ऑफ वेरिएबल फाई एक्साई और ईटा इस तरह हमने कैलकुलेट कर लिए। अब ये जो एक्साई और ईटा कैलकुलेट करेंगे रिड्यूसेस 2.11 टू फॉर्म 2.13। ये जो 2.11 फॉर्म है इसको ये सिंपल 2.13 फॉर्म में ये चेंज कर देंगे। इट इज इन्वर्टेबल बिकॉज बाय वाई वन प्राइम ये जो हमारे पास है यानी एक्साई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिए हुए हैं और ईटा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई ये इन्वर्टेबल भी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी x इन टर्म्स ऑफ एक्साई ईटा लिखा जा सकता है
और वाई भी इन टर्म्स ऑफ एक्स ईटा लिखा जा सकता है, क्योंकि वाई वन प्राइम इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, माइनस एक्स आई एक्स ओवर एक्स आई वाई। इसको ऐसे लिखेंगे जी, वाई टू प्राइम माइनस ईटा एक्स ओवर ईटा वाई, क्योंकि हमने वाई इसके दो जो दोनों सॉल्यूशन लिखे थे वो हमने लिखे थे, जो फर्स्ट को सॉल्व करके इसको सॉल्व करके लिखा था वो हमने कहा था वो एक्स आई है, और इसको जब लिखा था तो हमने कहा था वो ईटा है। तो जब उनका डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स वो इस तरह इक्वल आ जाएगा माइनस एक्स आई एक्स ओवर एक्स आई वाई, उस तरह उससे कैलकुलेट किया जा सकता है। इट फॉलोज दैट एक्स आई एक्स ईटा वाई माइनस एक्स आई वाई ईटा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू डेल्टा स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स आई वाई ईटा वाई, एक्स आई वाई और ईटा वाई दोनों नॉन जीरो हैं तो डेल्टा भी नॉन जीरो है, तो इस तरह ये पूरा एक्सप्रेशन नॉन जीरो हो गया जी। और यानी कि ये जो ये बेसिकली एक्स आई और ईटा वो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट बन रहा है, तो ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया। इसका मतलब ये है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी एग्जिस्ट करती है जी। द केस सी नॉन जीरो, ये हमने जो सपोज किया था ए नॉन जीरो को लेके चले थे, इसी तरह सी नॉन जीरो को रख के तो ये जो कैनोनिकल फॉर्म है ये बनाई जा सकती है। सेकंड है जी, इफ पी एक्स नॉट वाई नॉट इज अ पैराबोलिक पॉइंट, अगर ये पैराबोलिक पॉइंट हो तो फिर ये कैनोनिकल फॉर्म बनाई जा सकती है जी। पैराबोलिक की डेफिनेशन क्या है जी, पैराबोलिक हमने पढ़ा है जी पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट पैराबोलिक होगा अगर उसका जो ये डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस ए सी ये जीरो के इक्वल आ जाए। अब 2.14 पे फोकस करें तो 2.12 से ये 2.14 इस तरह बनाई जा सकती है कि ए और बी दोनों जीरो हो जाए और सी को इस तरह डिवाइड करके, सी नॉन जीरो हो तो सी को इस तरह डिवाइड करके तो ये फॉर्म बनाई जा सकती है। लेट पी नॉट बी अ पैराबोलिक पॉइंट, वी शुड चूज एक्स आई एंड ईटा सच दैट ए इज इक्वल टू जीरो बी इज इक्वल टू जीरो। एक्स आई और ईटा ऐसे चूज करने चाहिए ताकि ए भी जीरो हो जाए और बी भी जीरो हो जाए, सिंस जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास पैराबोलिक है पॉइंट तो ये बी स्क्वायर माइनस ए जी जीरो होगा। इट फॉलोज दैट वन ऑफ द टू कोएफिशिएंट्स ए आर सी इज नॉट जीरो, इसका मतलब ये है कि जीरो होने के लिए ये जो एक्सप्रेशन है दोनों में से ए और सी में से कोई भी नॉन जीरो जरूर होना चाहिए, अदरवाइज बी शुड आल्सो बी जीरो, अगर कोई एक जीरो, वैसे तो दोनों को दोनों अगर कोई एक भी नॉन जीरो हो जाए तो जीरो से मल्टीप्लाई होके ये जीरो हो जाएगा और बी भी जीरो हो जाए तो ए बी सी नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है। अगर ए और सी दोनों नॉन जीरो हों कोई ऐसे जो बी का एक्सप्रेशन है उससे सब्ट्रैक्ट होके जीरो बना दें तो तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, अदरवाइज बी शुड आल्सो बी जीरो, कि अगर ए और सी दोनों अगर जीरो हो जाए तो बी को भी जीरो होना पड़ेगा ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये कंट्राडिक्शन हो जाती है इस स्टेटमेंट की कि तीनों फिर ए बी सी जीरो जीरो हो जाते हैं, इसलिए ए और सी इनमें से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। If a not equal to zero, equation 2.20, ये हमने जो 2.20 equation drive की थी, इसमें अगर a नॉन जीरो हो c जीरो हो तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है y prime is equal to b over a, इसका जो रूट आएगा y prime is equal to b over a की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। सपोज इट्स जनरल सोल्यूशन इज, हम सपोज करते हैं कि ये जो इक्वेशन है जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन ये एक्स आई एक्स वाई इज इक्वल टू के, टेक ईटा एज अ सिंपल फंक्शन सच दैट ईटा कोई भी सपोज कर ले, एक्स आई हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे
और ईटा कोई भी ऐसा सिंपल फंक्शन सपोज कर ले जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। अगर ईटा कोई भी ऐसा फंक्शन सपोज कर ले और एक्साई हम ऐसे कैलकुलेट कर ले तो ए जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो भी जीरो आ जाएगा, बी भी जीरो आ जाएगा और सी डॉल जीरो होगा। तो इस तरह जो चेंज ऑफ वेरिएबल्स है एक्साई और ईटा, ये इस 2.11 फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म 2.14 में चेंज कर देंगे। It follows that in the case A is equal to 0, then C non-zero. अगर A 0 हो तो C non-zero होगा। We follow a similar procedure. तो A को 0 रखें, C को non-zero रखें, तो यही procedure हम follow करके तो ये form बना सकते हैं 2.14. Third है जी, if P not is an elliptic point, अगर ये हमारे पास elliptic point हो x नॉट p नॉट, तो हमारे पास ये कैनोनिकल फॉर्म बनेगी। एलिप्टिक की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी, वो लेस देन जीरो हो तो हम किसी पॉइंट पे तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट एलिप्टिक है। अब अगर 2.12 जो जनरल इसकी फॉर्म है ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म, इस पे फोकस करें तो ए एक तो नॉन जीरो होना चाहिए, सी नॉन जीरो होना चाहिए और बी जीरो होना चाहिए। दूसरा ए और सी दोनों इक्वल होने चाहिए ताकि इनसे कॉमन लेके इधर डिवाइड किया जा सके। वी शुड चूज एक्साई एंड ईटा सच दैट ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू जीरो। एक्साई और ईटा ऐसे चूज करेंगे कि ए और सी दोनों इक्वल आ जाए और बी इज इक्वल टू जीरो आ जाए। सिंस बी स्क्वेयर माइनस ए सी इज लेस देन जीरो, क्योंकि एलिप्टिक है, इट फॉलोज दैट ए नॉन जीरो, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव तभी आ सकता है जब ए, वैसे इधर ए नॉन जीरो लिखा हुआ है, ए और सी दोनों नॉन जीरो हूँ, क्योंकि कोई एक जीरो हो जाए तो फिर तो ये हो सकता है ए को नॉन जीरो ले लें या सी को नॉन जीरो ले लें, तो दोनों से आगे कंडीशन बनाई जा सकती है। एंड 2.20 ये जो इक्वेशन है हमारे पास रिड्यूसेस टू ODEs ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अगर सपोज करें कि ए नॉन जीरो है तो उससे और बी स्क्वेयर माइनस ए सी, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है डेल्टा, ये अगर नेगेटिव है तो इस तरह ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाई जा सकती है, बी प्लस आयोटा माइनस डेल्टा स्क्वेयर रूट ओवर ए और बी माइनस आयोटा माइनस डेल्टा स्क्वेयर रूट ओवर ए। लेट फाई बी द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। सपोज वैसे ये एक दूसरे के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, सपोज हम करते हैं कि फाई इसका सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन है। बाई 2.16 इट फॉलोज दैट ए इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास 2.16 इक्वेशन है, इसमें फाई की वैल्यू ये एक्साई और ईटा की फॉर्म है, जब यहाँ पे पुट करें तो आगे सिंप्लीफाई करें तो ए सी के इक्वल आ जाता है और बी इधर से फिर जीरो आ जाएगा। ये आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है, फाई एक्स कैलकुलेट, फाई एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्साई एक्स प्लस ईटा एक्स, फाई वाई एक्साई वाई प्लस ईटा वाई, इस तरह इधर वैल्यूज पुट करेंगे तो एक ए माइनस सी प्लस आयोटा भी हो सकता है, ये जीरो के इक्वल आए तो रियल इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करें, वो जीरो के इक्वल रखें तो ए इज इक्वल टू सी और बी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा जी। देन द चेंज ऑफ वेरिएबल फाई एक्साई इज इक्वल टू एक्साई ऑफ एक्स वाई, ईटा इज इक्वल टू ईटा एक्स वाई रिड्यूसेस 2.11 टू द फॉर्म 2.15। ऐसे अगर फाई जनरल सोल्यूशन लिखा हुआ हो जिसमें ये इसका रियल पार्ट एक्साई हो और इमेजिनरी पार्ट ईटा हो, तो इस तरह इस 2.11 को इस कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। द इक्वेशन 2.20, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इज कॉल्ड द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 2.11। ये जो जनरल फॉर्म हमने लिखी थी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसकी ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है जी। व्हाइल इट्स सॉल्यूशंस आर करैक्टरिस्टिक्स, तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे
वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएंगे। इन द हाइपरबोलिक डोमेन, हाइपरबोलिक डोमेन कौन सी होगी जिसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव हो, तो इक्वेशन 2.11 एडमिट्स टू फैमिलीज ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक्स विच इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सली। तो दो फैमिली ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक रखेंगे, एक ये वाली वाई वन प्राइम इज इक्वल टू बी प्लस डेल्टा स्क्वेयर रूट ओवर ए, और दूसरी वाई टू प्राइम इज इक्वल टू बी माइनस डेल्टा स्क्वेयर रूट ओवर ए। ये हमने पहले पढ़ा ही हाइपरबोलिक में। इसी तरह पैराबोलिक डोमेन में और एलिप्टिक डोमेन में, इन द पैराबोलिक डोमेन द इक्वेशन 2.11 एडमिट्स वन फैमिली ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है जी, वाई प्राइम इज इक्वल टू बी ओवर ए। और एलिप्टिक डोमेन में हमारे पास कोई रियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएगी, दो ये मैं